बच्चों आप बताइए चुंबक के बारे में, ठीक है? जी सर। आपने पढ़ा होगा कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। कि चुंबक हमारे पास ये इसका उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर N लिखा हुआ है, यहाँ पर S लिखा हुआ है, इसका साउथ यानी कि दक्षिण ध्रुव। तो दो चुंबक हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, प्रत्येक के अंदर उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब हम दोनों चुंबकों की सहायता से एक एक्टिविटी करेंगे। क्या चुंबक के जो एक समान ध्रुव होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? एक समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है, रिपल्शन। और जो चुंबक के विपरीत ध्रुव होते हैं अपोजिट यानी एक नॉर्थ और एक साउथ, वो आपस में क्या करते हैं? आकर्षण या आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। तो इसको हम एक एक्टिविटी से उसको हम करके दिखाएंगे, ठीक है? देखो इधर, ये हमारे पास चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। दूसरा चुंबक है छड़ चुंबक, कैसा चुंबक है ये? ये इसका एस पोल है यानी कि दक्षिण ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लेके जाएंगे, ठीक है, और देखते हैं कि बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। तो हम इसके पास लेके गए इसको, देखिए ये दोनों एक समान ध्रुव है, एस और एस यानी दक्षिणी और दक्षिणी साउथ साउथ, ठीक है। इसके पास लेके जाएंगे तो हम देखेंगे, देखो इस तरह से ही आप देख रहे हैं कि इसके पास लेके जाते हैं तो ये इसे दूर भाग रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण, ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर? ये एस और एस इसके पास लेके गए। इसी प्रकार एन के लिए देखेंगे, यहाँ पर ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, ये इसके पास लेके जाएंगे। देखिए जैसे हम उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव को लेके जाते हैं तो ये आपस में क्या हो रहा है? दूसरे से प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन हो रहा है, इनके दूसरे से दूर भाग रहा है, देखो, ठीक है। अब हम करेंगे इसका विपरीत, यानी हमने यहाँ पर क्या नोट किया कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान ध्रुव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। अब हम करेंगे विपरीत अपोजिट, यानी इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव और इस चुंबक का क्या लेंगे हम? दक्षिणी ध्रुव। ये देखिए ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इसको इसके पास लेके जाएंगे। देखो ये इससे क्या हो गया? चिपक गया, यानी इन दोनों बीच में क्या हुआ? अट्रैक्शन, आकर्षण, क्या हुआ? हम इन दोनों को अलग करके फिर देखते हैं दोबारा से। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ और ये साउथ, विपरीत है ना, उल्टे हैं। इसके पास लेके गए हम तो देखिए इस तरह से दूर से इसको अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया और इससे ये चिपक गया। आप इसका ले सकते हैं, इस छड़ का दक्षिण ध्रुव और इसका अपोजिट क्या होगा? उत्तरी होगा। इसको करके देखेंगे, दक्षिण ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव को लेके जाएंगे। देखिए दूर से इसको अटैक कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल्शन होता है, और चुंबक के दो विपरीत ध्रुव एक नॉर्थ और एक साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।